हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अशर खान कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हेल्दी हार्ट क्लिनिक छावनी नागपुर से बोल रहा हूँ ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम हार्ट और हार्ट की बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडमिल टेस्ट यानी एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट ये टेस्ट काफ़ी पुराने ज़माने से यूज़ किया जा रहा है और काफ़ी कॉमनली एडवाइस किया जाता है आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज़ भी इंश्योरेंस करने से पहले ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं और हार्ट को एवेल्यूट करते हैं तो आज हम इस वीडियो द्वारा समझेंगे कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है ये टेस्ट से हमें क्या जानकारी मिलती है ये टेस्ट कैसे किया जाता है और किन लोगों ने ये टेस्ट करना चाहिए तो सबसे पहले ट्रेडमिल टेस्ट या एक्सरसाइज टेस्ट क्या होता है ये एक टेस्ट होता है जिसमें हम आपको एक ट्रेडमिल यानी पट्टे पर दौड़ाते हैं और एक आपके हार्ट की इसी रिकॉर्डिंग देखते हैं ये टेस्ट करने का उद्देश्य ये रहता है कि ये हमें बताता है कि आपके हार्ट में सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज यानी कमज़ोर करने वाले ब्लॉकेजेस है या नहीं है तो बीमारी अपनी हार्ट की ऐसी होती है कि पहले पहले जब ये ब्लॉकेजेस बनते हैं तो ये आपको रेस्ट पे यानी जब आप आराम करते हैं तब तो तकलीफ़ नहीं देती है लेकिन जब आपका हार्ट प्रेशर में होता है फिजिकली एक्सर्ट करता है या मेंटल प्रेशर होता है तो ये ब्लॉकेजेस मैनिफेस्ट करते हैं और आपको सीने में दर्द या सांस फूलना ये तकलीफ करते हैं तो टीएमटी टेस्ट हम लोग आपका करते हैं और आपको फिज़िकली एक्टिव यानी फिजिकली बॉडी को स्ट्रेस करते हैं और उस स्ट्रेस में आपका हार्ट कैसा परफॉर्म करता है वो देखते हैं इसी वजह से इस टेस्ट को कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट कहा जाता है तो कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट या टीएमटी टेस्ट किन लोगों ने करना चाहिए सबसे पहले जिन लोगों को रिस्क है हार्ट डिजीज़ होने की उन्होंने रेगुलरली ये टेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये टेस्ट काफ़ी अर्ली स्टेज में बीमारी को पकड़ लेता है दूसरी चीज़ जिन लोगों को इंश्योरेंस करना है इंश्योरेंस से पहले ये टेस्ट किया जाता है और आपको दर्शाता है कि आपको हार्ट के ब्लॉकेजेस है या नहीं है और आपको आगे अटैक आने के कितने रिस्क है तीसरे लोग जो लोग नॉर्मल हैं और जानना चाहते हैं कि उनका हार्ट का लेवल ऑफ़ फ़िटनेस कैसा है उन लोगों ने टेस्ट करना चाहिए चौथा जो लोग जिम ज्वाइन करना चाहते हैं जो लोग चाहते हैं हैवी एक्सर्सन करना या मैराथन ट्रेनिंग करना चाहिए ऐसे एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले एक टी टेस्ट करना ज़रूरी है और ये आपको अच्छे से जानकारी देगा कि आप फ़िट है या नहीं हैं लास्टली कुछ प्रोफेशनल एथलीट्स जो जानना चाहते हैं कि वो उनका फिजिकल फिटनेस का लेवल कैसा है वो एक्सरसाइज स्ट्रेस कर सकते हैं तो एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट कैसे किया जाता है जनरली आपको एक दिन के समय का अपॉइंटमेंट दिया जाता है उस अपॉइंटमेंट के पहले आपने चाय कॉफ़ी और आप ही कुछ मेडिकेशंस रहती है उनका सेवन अवॉइड करना चाहिए जब आप उस टेस्ट के लिए जाते हैं तो यूजुअली स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाए और लाइट क्लोथ पहन के जाए जब आप हॉस्पिटल या क्लिनिक पहुँचते हो तो आपको कुछ ई सी लीड्स लगाई जाती है चेस्ट के ऊपर और हाथ के ऊपर आपको ट्रेडमिल पर खड़ा किया जाता है और पहले खड़े रह के और लेट के आपका ई निकाला जाता है जब प्री टेस्ट ई आपका हो जाए यानी बेसलाइन ई हमें मिल जाता है तो हम आपको टेस्ट के ट्रेडमिल पे खड़े करते हैं और स्लो स्पीड पे पहले शुरू की जाती है ये ट्रेडमिल जो रहती है इसके ग्रेड्स रहते हैं अलग अलग ग्रेड्स में हम इसका स्पीड बढ़ाते हैं और इसका जो इंक्लाइन रहता है यानी ऊंचाई रहती है वो भी बढ़ाते हैं तो जनरली इसके चार से पाँच ग्रेड्स रहते हैं डिपेंडिंग आपका एज कितना है एक पर्टिकुलर ग्रेड तक के आपने पहुँचना रहता है एक पर्टिकुलर हार्ट रेट आपने अचीव करना रहता है जब आपका वो हार्ट रेट अचीव हो जाता है तो हम टेस्ट रोक देते हैं और आपका ई सी एनालिसिस किया जाता है यदि आपको इस टेस्ट के दौरान सांस फूल जाती है या फिर सीने में दर्द होता है या फिर चक्कर आता है या कोई भी और प्रॉब्लम होता है तो आपके जो डॉक्टर है वो टेस्ट को रोक देंगे या फिर आपको एक बटन दिया जाता है जिससे आप इसके तुरंत बंद कर देते हैं कुछ लोग जिन्हें ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो जाती है जैसे नी नी में पेन होना या फिर स्पाइन में पेन होना उन लोगों ने ये टेस्ट करने से पहले डॉक्टर को बता देना चाहिए या फिर ये टेस्ट टोटली अवॉइड कर देना चाहिए एक बार जब ये टेस्ट रोक दिया जाता है तो आपको बैठा दिया जाता है और आपकी रिकवरी में ई कैसा है वो देखा जाता है ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार पेशेंट्स को दौड़ते समय तकलीफ ना होते हुए रिकवरी में तकलीफ़ होती है इस प्रकार से इस टेस्ट का ट्यूरेट पूरा ड्यूरेशन 10 से 12 मिनट रहता है और आप विद इन ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट्स क्लिनिक से बाहर आ सकते हैं ट्रेडमिल टेस्ट एक बहुत ही सेफ टेस्ट होता है और काफ़ी सालों से काफ़ी लोगों का किया जाता है लेकिन जैसे कि कोई भी पेडिकल प्रोसीजर में होता है इसमें भी ज़रा सा रिस्क रहता है फॉर एग्ज़ाम्पल यदि ब्लॉकेज बहुत सीवियर है तो आप चलने दौड़ने में आपको सांस फूल सकती है सीने में दर्द हो सकता है बहुत कम लोगों में हार्ट अटैक भी आ सकता है अगर आपको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है स्पाइन का या नी का तो आपको चोट भी पा सकती है और यदि आपको ट्रेडमिल बराबर से आप यूज टू नहीं हो तो गिर के भी चोट लग सकती है ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपने टी करवा लेना चाहिए आपके ट्रेडमिल टेस्ट का इंटरप्रिटेशन आपके डॉक्टर करते हैं वो डॉक्टर कई रूप से आपका एनालिसिस करते हैं पहले तो वो देखते हैं कि आपका हार्ट रेट कैसा परफॉर्म करता है आपका ब्लड प्रेशर कैसा परफॉर्म करता है और आपका ई कैसा परफॉर्म करता है कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आते हैं जो कैलकुलेट करते हैं कि आपका फिजिकल एंडोरेंस का लेवल कैसा है और यदि ई में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे जनरली इसके रिजल्ट तीन तरीके से आते हैं एक तो टी एम टी नेगेटिव आता है या टी एम टी पॉजिटिव आता है या टी एम टी इंटरमीडियट या बॉडर लाइन आता है यदि टी एम टी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आपके ब्लॉकेजेस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है या फिर ब्लॉकेजेस आपको है ही नहीं यदि ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि जो आपके हार्ट के ब्लाकेजेज़ज़ेस है वो आपको फिजिकल एक्जर्शन में तकलीफ करते हैं और आपको या तो मेडिकेशन या फिर एन्योग्राफी एडवाइस किया जाएगा यदि आपका टेस्ट इंटरमीडिएट या ब्रॉडर लाइन आया है और आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो आपको कुछ और टेस्ट एडवाइस किए जाएंगे जिससे आपको और क्लियर कट मालूम पड़ेगा कि आपकी हार्ट की कंडीशन कैसी है तो इस तरीके से टी टेस्ट किया जाता है यदि आपको एडवाइस किया गया है तो मेरा रिकमेंडेशन कर रहेगा कि आप बिल्कुल बेझिझक होकर टी टी कीजिए ये आपको आपके हार्ट की फिटनेस के बारे में काफ़ी जानकारी देगा ऑल्सो चालीस साल के ऊपर मेरी राय है कि हर पेशेंट ने साल में एक बार तो भी टी टेस्ट करना चाहिए ताकि वो हार्ट डिजीज़ अर्ली लेवल पे पकड़ सके और यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेडिकेशन और लाइफस्टाइल द्वारा उसे कंट्रोल किया जाए तो इस वीडियो द्वारा हमने आपको जानकारी दी है कि टीएमटी टेस्ट कैसे होता है उसे कैसे किया जाता है इस टेस्ट के बारे में इससे रिलेटेड आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे वार, 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 कमेंट पर बताइए मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा थैंक यू